है, लेकिन ये है कि हमारा नुकसान हो रहा है। सबसे दरख्वास्त यही है कि आगे मतलब इसके आगे जो दीवारें वो सारी टूट चुकी हैं और ऊंचाई खस्ता गया हूँ मैं, काफ़ी दफ़ा गया हूँ मैं, और ये है कि बस उधर जाए तो। अस्सलाम वालेकुम, हिस्ता टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। मैं इसके मौजूद हूं बासा गली के मकाम पे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में हर जगह पे हर इदारे के अंदर चोर डाकू माफिया मौजूद होता है, इसी तरह मरी के अंदर महकमा हाईवे की गफलत की वजह से आए दिन कोई ना कोई हादसा रनुमा होता है, इसी तरह आए दिन इनकी शिकायतें बढ़ रही है। इसके मौजूद बसरा गली के मुकाम पे यहाँ पे जो बरसाती नाला इसका पुल है, इसकी दीवारें गिर चुकी है, इसके साइड से जो घर है दोनों अतराफ उनके नीचे से जो है स्लाइड की वजह से जो दीवारें वो बाहर निकल चुकी हैं। यहाँ से जाके जो लोग हैं इनके घरों को शदीद खतरात है, और तीन साल से लगातार जो SDO मरी है हाईवे का, इसको लगातार ये दरख्वास्तें दे रहे हैं। हत्या के एक दो मरतबा उन्होंने विजिट भी किया है, लेकिन इंतहाई अफसोस है कि आए दिन कोई ना कोई शिकायत इनके खिलाफ आ रही है। महकमा हाईवे की वजह से जो ये रोड बनी है कारपेट हो गई है, तीन माह के अंदर अंदर दोबारा जितनी रोड थी ये खराब हो गई है। जी अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं, ये मेन मरी की GT रोड है जो इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाती है। तकरीबन 3 से 4 माह पहले इसे कारपेट किया गया था, 3-4 माह के अंदर अंदर दोबारा टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जगह जगह पे गड़े पड़े हुए हैं। ये तकरीबन 3-4 माह के अंदर अंदर ये हालात है। ये महकमा हाईवे की करप्शन और न्यायालय का मुंह बोलता सबूत है। मरी की जो इंतजामिया है उसकी खामोशी समझ से बलातर है। मरी एक ऐसा स्टेशन है कि दुनिया भर से लोग मरी में आते हैं, लेकिन जो रोडों के हालात है आपके सामने, ये रोड कश्मीर को और KPK को भी जाती है, लेकिन 3 से 4 माह के अंदर अंदर ये टूट फूट का शिकार हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के दौर में और तरीके इंसाफ के दौर में सबसे ज्यादा मरी के अंदर करप्शन हुई है, और जो करप्ट लोग हैं उनकी तैनातियां की गई। इसी तरह SDO हाईवे जो है ये करप्ट आदमी है, जो तहसीलदार है मरी में अभी तैनात किया गया वो करप्ट है। इसी तरह हमने आटा चोर पकड़वाए, सबको छोड़ दिया गया, लेकिन जो रोडों के हालात है देख सकते हैं, ये इनकी करप्शन का और न्यायालय का मुंह बोलता सबूत है। यहां से अरबों रुपए की जो करप्शन हुई है मरी के अंदर, करप्शन अरूज पा रहा है, इनके पीछे माफिया और खास करके मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर सबसे ज्यादा करप्शन मरी के अंदर होती है। जो मरी के अंदर मुस्लिम लीग नून का माफिया इतना मजबूत है कि चोर डाकू जो महकमों के अंदर है इनकी पुश्त पनाही करते हैं। यहाँ के मुकामी जो लोग हैं जानते हैं कि कितने अरसे से ये दरख्वास्तें दे रहे हैं, जो मुतलका ये काली बेड़े महकमों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं जी? शुक्र अल्लाह। आपका नाम क्या है? अतीक रहमान। अतीक साहब, कितने अरसे आप दरख्वास्तें दे रहे हैं? 3-3.5 साल से मैं दे रहा हूँ, और काफी चक्कर लगाए हैं। एक दो दफा उन्होंने विजिट भी किया, आके उन्होंने चेक किया अंदर से पुल आगे से जो भी जितनी भी जगह डैमेज है, लेकिन बहरहाल काम नहीं हो सका। सर क्यों नहीं काम हो रहा है? ये जो महकमे के अंदर काली बेड़े बमैट जो SDO समेत ये सैलरी जो ले रहे हैं हमारे टैक्सों से ले रहे हैं, इन्हें भर्ती किया गया, हमारे लिए भर्ती किया गया, क्या वजह, किस वजह से ये काम नहीं हो रहे? जाहिर सी बात है कोई ना कोई मसला तो है ना, जाहिर सी बात है इसी वजह से तो काम नहीं हो रहा। मैं भी तकरीबन 3-7.5 साल ही जुड़ा हुआ है, और साथ दूसरी साइड में भी गहरे आगे भी गहरे, और सबको नुकसान हो रहा है इस पानी की वजह से, पुल ना बनने की वजह से। मतलब इसके आगे जो दीवारें हैं वो सारी टूट चुकी हैं, और इंतहाई खस्ता हालत। 3 साल में आपने कितने चक्कर लगाए हैं जो हाईवे वालों का दफ्तर है? काफ़ी दफ़ा गया हूँ मैं, और ये है कि बस उधर जाए तो कहते हैं जी हो जाएगा आपका काम, हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। क्या कहेंगे आप? सर जी काफ़ी दफ़ा उनको कह चुके हैं जी कि हमारी अमलाक को भी जो है ना नुकसान पहुँच रहा है, साइडें भी जो है ना सारी वो ख़राब हो रही हैं, लेकिन वो कोई अमल नहीं हो रहा। विजिट किए हैं, एक आया दूसरा आया, बस वैसे ही जो है ना इन्होंने। तो क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत वक्त से कहेंगे जी कि इनको कोई इकदाम किया जाए, जो महकमे हैं वो अपना काम करें जी। तो यही हम कहना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? बस मैं भी यही कहूँगा कि महकमा आना चाहिए यहाँ पे, जो नुकसान हो रहा है वो देखें। 3.5 साल हो गया ये लोग जाते रहे, हम लोग जाते रहे, लेकिन किसी ने कोई उसने रेट नहीं बताया, लेकिन ये है कि हमारा नुकसान हो रहा है। उन सब से दरख्वास्त यही है
कि आके ये काम करें। जी नाज़रीन, ये मुतलका यहाँ के मकामी लोग थे, इनका मौकफ आपने जाना। मरी के अंदर करप्शन अरूद पर है, माफिया बहुत मजबूत है, यहाँ पे जो गैर कौमी तमीरत हो रही है दिन ब दिन बढ़ रही है, और इसके पीछे जितने भी है मुस्लिम लीग नून के दौर में भी हुई है, तरीके इंसाफ के दौर में भी मरी के अंदर बहुत ज्यादा गैर कौमी तमीरत हुई है, माफिया हर पार्टी के अंदर मौजूद है, और खास करके मरी के अंदर कोई वली वारस नहीं, कोई इन लांचियों से पूछने वाला नहीं। मुतलका जितने इदारे उनसे हमारी भरपूर मुतालबा है कि इनके खिलाफ फिल फॉर एक्शन लिया जाए। अगले प्रोग्राम तक अपनी मेजबान आसिफ शुक्रवादी को इजाजत दें, अल्लाह निगेबान।